हेलो दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं गौतम बुद्ध का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा दिया हूँ। ओके दोस्तों, अगर पहला पार्ट आप देखेंगे तभी दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो है चार संगीतियाँ हुआ था, इसके बारे में अभी बताऊंगा। फिर ये आगे चल के हीनयान और महायान में बढ़ गए थे, और इसके बाद जो है इन्होंने त्रिपिटक चला था, जिसे विनय पिटक, शुद्ध पिटक जो है और अभिधम पिटक बोला जाता है। इसके बाद देखिए, हम आज चलिए गौतम बुद्ध की जी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्या क्या हुआ था बोलेगा। देखिए, 383 BC में तो राजगृह जो है इसके स्थान थे, और अजातशत्रु इसके जो है राजा थे, महाकश्यप के जो है इसका अध्यक्ष थे। बोलेगा सेकेंड जो है संगीतिया, 100 साल बाद यानी 383 BC में जो है वैशाली में हुआ था। इसके राजा कालाशोक थे, ये जो है अध्यक्ष सवाकामी थे। बौद्ध धर्म का इसमें पहला विभाजन हो गया था। अब इसके बाद देखिए, करीब करीब 250 BC में किसी किसी बुक में दिया रहता है 247, लेकिन हम 250 मान के चल रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू। 250 BC में जो है पाटलिपुत्र में इसका हुआ अधिवेशन। इसके शासक जो है अशोक थे, मोगलीपुत्री से जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो अभिधम पिटक का जो है संकलन किया गया। चौथा कहेगा तो 98 ईस्वी में, जो कि कुंडलपुरम जो है कश्मीर में हुआ था, कुंडलवर यानी कश्मीर में हुआ था। इसके राजा कनिष्क थे, इसके अध्यक्ष वसुमित अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म में इसमें विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अब देखिए, बोलेगा हीनयान रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, महायान परिवर्तन समर्थक थे। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें मूर्ति पूजा विरोधी थे, इसमें मूर्ति पूजा थे। बुद्ध जो है महापुरुष थे, इसमें बुद्ध भगवान थे। इसमें जो है दक्षिण भारत, थाईलैंड, बर्मा आदि में देखा गया था, और इसमें इसमें जो उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत आदि में देखा गया था। अब इसके बाद देखिए, जातक कथा, बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा, इसमें जो है बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा के बारे में बताता है। अब इसके बाद देखिए, बोधिसत्व, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर चुका हो वह दूसरे की सहायता करना हो। कहने का मतलब, बोधिसत्व ऐसा है जो पहले ही अपने को निर्वाण प्राप्त कर लिया और दूसरे को भी ये ज्ञान देते हैं। वज्रयान, वज्रयान जो है गुप्त काल, ये 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं ईस्वी तक शताब्दी बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। इसके बाद देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक में जो है पाली भाषा में रचित गया है। सुपिटक बुद्ध के उपदेश के संग्रह है, सुपिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश जो है वाराणसी के सारनाथ में दिए थे 5 ब्राह्मणों को, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए विनय पिटक, संघ के नियमों का संग्रह। दोस्तों, संघ के नियमों का संग्रह होता है, जैसे कि नीचे जाति सबको इसमें प्रवेश करने का अनुमति देना। अब इसके बाद देखिए अभिधम पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचार। कहने का मतलब, बुद्ध अपने विचारों से बहुत लोग को आकर्षित करने लगे, यानी अच्छे अच्छे विचार देने लगे, जनता इनके पास ज्यादा संख्या में जाने लगे। कहने का मतलब, इनके जो है अनुयायी बढ़ने लगे। आप देखिए, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की रचना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बुद्ध चरित तो आपको पक्का याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछता है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। मिलिंदोपनहो जो है नागसेन है, मिलिंदोपनहो का मतलब होता है मियांडर यहाँ पे। और देखिए, बोलेगा लाइट ऑफ एशिया, एडविन हर्नाल्ड ने बोला था इनको। और देखिए, बौद्ध धर्म में संबंधित चैत स्तूप, मठ एवं विहार। देखिए गंधार, गंधार वही है जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। गंधार व मथुरा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें,
ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।